अभी 1 साल हुआ है घर को जस्ट बुक किए हुए, अभी घर बना भी नहीं है, अभी घर अपना भी नहीं हुआ, मतलब अभी तक लोन भी नहीं शुरू हुआ घर का, और घर का प्राइस ऑलरेडी $1.5 million बढ़ गया है। आज अपना तीसरा दिन है ब्रैम्पटन में। आ जाते कि थोड़ी होंगी और थोड़ी करनी कॉपीराइट आ जाना नहीं था। तो आज अपना तीसरा दिन है ब्रैम्पटन मिसिसागा में, और अभी सुबह के हुए हैं 11:30। बस फिर हम निकल गए हैं घर से। आज हम किसी और बंदे के साथ निकले हैं, रोज अलग बंदे के साथ होते हैं, और ये है मणि भाजी, इनके साथ भी मैं रहता था। ये सारे हम इकट्ठे रहते थे, जो भी आप देख रहे हो ना मेरे ब्लॉग्स में, अब तो ये ट्रक चलाते हैं। अभी सुबह हुई है 11:30 हुए हैं, अभी कहीं खाने पीने के लिए चलते हैं। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग, जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues, cuando tú me traicionas con vaciles, hermosa pero tú, tienes como 10,000 perfiles, uno que me ames y otro que me olvide. तो अभी हम जा रहे हैं परांठे वाली गली पहले यहाँ पर खाने पीने के लिए, सुबह भूख लगी है ना, तो मैंने सोचा कि अगर आए यहाँ पर हम खाने पीने के लिए हैं तो फिर घर पे क्यों खाना है, बाहर ही खाते हैं ना जितने दिन हैं। तो अभी परांठे वाली गली जा रहे हैं, लेकिन वो 12 बजे ओपन होगा, लेकिन वो 20 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि यही ब्रैम्पटन के बीच बीच में भी अगर हमने कहीं जाना है तो काफी दूर दूर हमें जाना पड़ता है। लेकिन अभी तेल डलवा रहे हैं, प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है जितने हमारे यहाँ पर है ना हैलिफैक्स में, ऑलमोस्ट उतना ही है। देखो 137 का नॉर्मल है यहाँ पर। अभी अभी पूरे 12 बजे ओपन हुआ है रेस्टोरेंट, और सबसे पहले हम दोनों ही अंदर आए हैं। बाहर लेकिन पहले ही 3-4 बंदे खड़े हुए थे, मतलब और कुछ गेस्ट वगैरह काफ़ी खड़े हुए थे बाहर खाने पीने के लिए, लेकिन हम दोनों ही सबसे पहले अंदर आए। कि हर एक जगह पर ये सारे प्रूफ वगैरह चेक कर रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रूफ। जिस भी रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रूफ चेक कर रहे हैं, उसके बाद ये लाइसेंस चेक कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास वैक्सीनेशन प्रूफ नहीं है, अगर हमने वैक्सीन नहीं ली हुई, तो फिर हम अंदर डाइन इन नहीं कर सकते। तो ये देखो दिस इज परांठे वाली गली, इन्होंने ये सबसे बढ़िया चीज हमें ये वाली लगी, इन्होंने टेबल के अंदर ही अपने ये मेन्यूज वगैरह पक्के किए हुए हैं। ये देखो ये ऊपर ग्लास लगा हुआ है, उसके अंदर ही इन्होंने मेन्यूज वगैरह पक्के किए हुए हैं ताकि उनको लाने की जरूरत ना पड़े। तो ये देखो अभी हमने करवाए हैं ये 2 परांठे, ये है पनीर टिक्का मसाला, और ये परांठा है कोई ये वाला आलू गोभी पनीर प्याज। ये देखो 43 परांठे हैं इनके पास, अलग अलग तरह के, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, मिस्टर कराई पराठा प्याज का अंदाज। और साथ में ये हमने एक चाय करवाई है और ये एक शेक करवाया है, ये शेक $9 का है, देखने में लग रहा है $9 का छोटा सा। अभी अभी हम परौंठे वगैरह खा कर आए हैं, वहाँ पर हमने 3 परौंठे करवाए थे, एक शेक करवाया था और एक चाय करवाई थी मसाला टी। तो टोटल कुछ मिलाकर $44 बने थे टैक्सी वगैरह मिलाकर, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, बढ़िया थे परौंठे, लेकिन हैवी थे, तो हमने 1.5 परौंठा खाया था उन्होंने। तो अभी हम जा रहे हैं घर देखने के लिए, तो अभी मणि भाई ने घर लिया है ना, तो वो अभी देखने के लिए जा रहे हैं, बन रहा है अभी, मतलब ऑन द वे है, बस थोड़े दिनों तक मिलेगा। तो फिर वो वाला भी देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो देखते हैं कैसा एरिया है। जो ब्रैम्पटन से कुछ ऑलमोस्ट ब्रैम्पटन में ही है, मतलब ब्रैम्पटन से कुछ 15 किलोमीटर बाहर है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये वाला एरिया है, और सामने देखो जरा कितना बढ़िया बना हुआ है कारपेट प्लेस, वाह। इस साइड तो मैं पहले आया हूँ, ये देखो अभी अब इस साइड है, इस एरिया में घर लिया हुआ है, अभी थोड़ा सा आगे है। ये देखो ये सारे के सारे मतलब ब्रांड न्यू घर बने हुए हैं, जो अभी अभी नए बने हैं ना, ये सारा एरिया नया बना हुआ है ब्रैम्पटन से कुछ 10 किलोमीटर बाहर, मतलब बाहर नहीं है, पास में ही है, ब्रैम्पटन के अंदर ही कहीं जाना हो 10-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाता है। तो ये सारे के सारे घर नए बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला, जैसे ये वाला घर अभी बन रहा है ना, और ये घर बने हुए हैं, इन घरों में लोग रह रहे हैं, वाह क्या बात है, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो देख रहे हो ये सारे घर, ये सारे घर ये जो आप देख रहे हो, ये कुछ 1 मिलियन या 1.1 मिलियन 1.2 मिलियन, तो ये है ब्रैम्पटन मतलब। लेकिन घर बहुत शानदार है भाई, ये नए घर बने हुए हैं, सारे के सारे नए घर बने हुए हैं।
जॉर्ज टाउन में है। और यही नहीं, अकेला ये पूरी की पूरी एक कॉलोनी बनी हुई है। वो सामने देखो, वो जितने आप सामने घर देख रहे हो ये सारे के सारे अभी बन रहे हैं। यहाँ पर स्कूल बनेगा, ये यहाँ पर देख रहे हो, मतलब फुल एरिया डेवलप हो रहा है अभी। देखो ये सारे घरों में अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, इसलिए अभी इतना खलारा पड़ा हुआ है। देखो ये जैसे अभी अभी तक ये ड्राइवे तैयार कर रहे हैं। ये देखो ये वाला एरिया है, अभी मैं बाहर आया हूँ। जो मेरे पीछे घर देख रहे हो, ये सारे ये वाले घर भी नए बने हुए हैं। और जो मनी भाई ने घर लिया है वो ये वाला है। ये देखो ये राइट साइड वाला घर है, वाह क्या बात है, डिटैच्ड हाउस है। इधर वाला डिफरेंट है, इधर वाला डिफरेंट है, और ये वाला अपना है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, काफी बड़ा घर है। अंदर पता नहीं ये अभी जाने देंगे कि नहीं, बात करके देखते हैं इनसे। ये देखो अभी सारे के सारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी तक, वाह क्या बात है। देखो पूरा घर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो अभी किचन कैबिनेट्स वगैरह बन रहे हैं ना, अभी तक सारा ये बन रहा है। Tienes como 10,000 perfiles, uno que me ames y otro que me olvide. La tóxica eres tú cuando me tratas. Dining area, kitchen, ये backyard बनूंगा हाले। देखो अभी सारी ये अभी construction चल रही है। ये इन्होंने कहा है कि अगले महीने देंगे, पता नहीं ये कैसे खत्म करेंगे अगले महीने तक, फिर से ना डेट आगे कर दें कहीं। किचन कैबिनेट्स वगैरह बन रहे हैं अभी तक, सारा टोटली अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरे घर में। ये बेसमेंट को जाता है नीचे रास्ता। देखो अभी पूरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये एक रूम होगा, और ये रूम के साथ वॉशरूम टब वगैरह लगा हुआ है, बाथिंग एरिया। बहुत शानदार घर है भाई। तो ये गैराज है, और ये अंदर से तो आपने देख लिया ना कितना बढ़िया घर बना हुआ है। ये मतलब पूरे के पूरे इस साइड जितने भी ये घर बन रहे हैं ना, सारे के सारे न्यूली बिल्ट हाउस है। सिर्फ यही नहीं, पूरी गली में पूरे एरिया में नए घर बने हुए हैं, जो पिछले एक दो साल के बीच में बने हुए हैं। देखो ये सारे के सारे यार, मतलब कितना बढ़िया एरिया है यार, ओ माय गॉड। ये वाला देखना, ये वाला घर सतारा सतारा, ये देखो ये सबसे महंगे घर होंगे इस एरिया में। देख रहे हो ये वाले घर कितने शानदार बने हुए हैं, ये $2 million तक जाएंगे ये वाले घर तो। इनकी एंट्रेंस इन्होंने ऑलमोस्ट सेम बनाई हुई है हर एक घर की, लेकिन बढ़िया है ये भी। देख रहे हो ये सामने ये वाला घर लगा हुआ है सेल पर, इसी एरिया में है जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि बहुत बढ़िया बढ़िया घर 16-16, 17-17 लाख के। और यही घर मैंने यहाँ पर अभी सर्च किया, देखो जरा। और इसका इन्होंने साथ में लिखा हुआ है 5 bedrooms और 5 bathrooms घर है, और 3,000 to 3,500 स्क्वायर फीट का घर है। और ये देखना 16 लाख का घर लिखा हुआ है, $16 lakh का घर, ये वाला घर। देखो जरा, ऐसा भी नहीं है कि मजाक कर रहे हैं हम, कि ऐसे ही आपको बता दिया कि तुक्के से कि इतना का इतने का होगा। हमने अभी निकाल कर देखा ऑनलाइन कि 4 दिन पहले ही अभी लगाया हुआ है। देख लो अभी ये ब्रैम्पटन से थोड़ा सा 15 मिनट बाहर है, देख लो जरा। अगर ब्रैम्पटन में अपने सिटी के अंदर लेना है पहले, तो आपको ऐसा घर ऐसे घर वहां पर मिलेंगे नहीं। मतलब यार बहुत बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन वही तो बात है ना, फिर प्राइस भी उतना ही ज्यादा है। आपने जितना बड़ा घर लेना है, जितना महंगा घर उतनी महंगी इंश्योरेंस, ऊपर से उतनी महंगी उसकी मेंटेनेंस होगी, उतना महंगा उसको संभालने के लिए होगा। तो इसलिए तो भी आपने ये एरिया देखा कि बहुत बढ़िया एरिया है, मतलब जिस एरिया में घर है ना। और ये ब्रैम्पटन से थोड़ा सा बाहर है,
अब अगर मैं आपको सड़क दिखाऊं, ये देखो ऐसा रोड आता है इसको, इस एरिया को, ये जॉर्ज टाउन के पास है, मतलब जॉर्ज टाउन कुछ ब्रैम्पटन से 10-15 किलोमीटर दूर है। मतलब ब्रैम्पटन में तो वैसे भी रहना अभी कुछ खास लोग पसंद नहीं करते जिन्होंने सेटल होना है, जिन्होंने अपनी फैमिली बनानी है, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ है, ट्रैफिक बहुत है उसकी वजह से फिर। और अगर बढ़िया आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, अगर आपने बढ़िया अपनी लाइफ जीनी है, तो फिर थोड़ा सा ब्रैम्पटन से बाहर कुछ ऐसे एरिया में, या फिर जैसे लोग आजकल दूर दूर शिफ्ट होते हैं लंदन वगैरह ऐसे ओंटारियो में, काफी दूर दूर ना, तो ऐसे एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं। अभी ये बात करते हैं घर की। तो इन्होंने घर की बुकिंग करवाई हुई है अभी, और बुकिंग करवाई थी पिछले साल 2020 मार्च में। बहुत मुश्किल से उस वक्त बुकिंग होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी बहुत होते हैं, स्ट्रगल करके लेना पड़ता है। जैसे इन्होंने उस वक्त लाइन में लगकर बुक किया था, तो ऐसे ये सब हुआ ना। तो घर का पहले सबसे पहले बात करते हैं प्राइस कितना है। उस वक्त जब बाय किया था ना, तब घर का प्राइस था $860,000, ठीक है, $860,000 था उस वक्त। उस वक्त अभी शुरू ही हुआ था ना बनना, मतलब ये देखो ऐसा था उस वक्त जब इन्होंने घर बुक किया था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, बस ऐसे जैसे ये प्लेन है ना ऐसा था। तो उस वक्त घर बनना शुरू हुआ था, $860,000 का इनको मिला प्राइस घर का, ठीक है। फिर जब घर बुक करना पड़ता है ना, तब कुछ थोड़ा सा डिपॉजिट देना पड़ता है, तो $75,000 डिपॉजिट दिया था उस वक्त। और आपको मिनिमम जो है ना, वो 5% तक कर सकते हो डाउन पेमेंट, लेकिन वो बहुत कम होता है कि वो 5% एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपका क्रेडिट चेक होता है, फिर उस हिसाब से सारा कुछ होता है। तो मोस्टली 10% तो करनी पड़ती है, लेकिन फॉर सेफ साइड 20% तक कर रहे हैं डाउन पेमेंट, तो फिर ताकि बाद में थोड़ा सा इजी रहे जब इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है ना, उसकी वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं उस वक्त जो हुआ था $860,000, अभी एक साल हुआ है घर को जस्ट बुक किए हुए, अभी घर बना भी नहीं है, अभी घर अपना भी नहीं हुआ, मतलब अभी तक लोन भी नहीं शुरू हुआ घर का, और घर का प्राइस ऑलरेडी $1.5 million बढ़ गया है। अभी जो घर का प्राइस है ना, वो $1 million से ऊपर चला गया है। $860,000 की डील हुई है हमारी, ठीक है, जो घर बाय करना है, तो फिर $860,000 पक्के हैं कि इसमें लेना है। लेकिन अगर इन्होंने अभी बेचना हो ना, घर लेने के बाद भी अगर अगले दिन बेचना हो, तो फिर $1 million से ज्यादा का बिकेगा अब घर। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी प्राइसेस बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के। तो जो घर की उन्होंने क्लोजिंग डेट दी थी, वो दी थी July 2021, लेकिन वो आगे आगे बढ़ाते रहे, और अभी उन्होंने जो क्लोजिंग डेट दी है घर की, वो दी है नवंबर में, अगले महीने की। अभी मुझे बताया भाई ने, ये वेडनेसडे को गए थे घर बुक करने, उस वक्त लाइन लगी हुई थी, इनकी बारी नहीं आई उस दिन जब बुक करने गए थे। जब ये थर्सडे को गए, अगले दिन $30,000 घर का प्राइस बढ़ा हुआ था एक ही दिन में। उस वक्त घर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लैंड था खाली, एक ही दिन में $30,000 घर का प्राइस बढ़ गया था। तो इनको $30,000 महंगा मिला, मतलब अगर एक दिन पहले बुक कर देते तो फिर $30,000 सस्ता मिलता। लेकिन अभी आप यार देख लो, जरा $860,000 का बाय किया घर पिछले साल, अभी मतलब किया नहीं है बाय, अभी बन रहा है घर, और बनने से पहले ही घर का प्राइस बढ़कर $1 million से ज्यादा का हो गया। और सोच लो फिर अभी तक अगले साल तक कितना जाएगा, मतलब बेचने के लिए नहीं घर लिया, रहने के लिए लिया है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना प्राइस बढ़ रहा है प्रॉपर्टीज का यहाँ पर। तो ब्रैम्पटन है भाई, ब्रैम्पटन में सारा कुछ महंगा है। ये देखो अब ये ऐसा है, मतलब यहाँ से अब अगर हम 5-10 मिनट आगे जाएंगे तो ब्रैम्पटन सिटी के अंदर हम एंटर हो जाएंगे, और ये सारे यहाँ पर वेयर हाउस वगैरह बने हुए हैं, सारा कुछ है मतलब ऑलमोस्ट। तो बस आपको यही दिखाना था कि ब्रैम्पटन में प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है यहाँ पर प्राइसेस वगैरह, और कैसे घर मिल रहे हैं, और कितनी देर पहले बुकिंग वगैरह करनी पड़ती है। मतलब अगर आप आज बुकिंग करोगे तो फिर आपको कुछ 1.5 साल बाद घर मिलेगा रहने के लिए, अगर आपने नया घर लेना है। तो बस फिर आज का ब्लॉग इतना सा ही था, यही सब आपको बताना था। तो जो अगर कोई सवाल वगैरह होगा कमेंट कर देना नीचे। बस फिर यहाँ पर अभी खत्म करते हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, नायग्रा फॉल्स, ब्लू माउंटेन। अभी इसके बाद नया ब्लॉग शुरू होगा, तो वो आप देखना बाद में। एनीवेज, जो नया आया मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कट्टा ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।